सबों को जय यीशु। प्रियजनों, आज पूरा संसार कष्ट में, पीड़ा में, दर्द में है, परेशानी, चिंता में, अशांति में, परिवार, देश, व्यक्ति सब। और हम जानते हैं इसका कारण COVID-19। इस महामारी के कारण कई लोगों का प्रियजन का मृत्यु, एक बहुत भयंकर दुख, मरते समय उसका चेहरा भी ना देख पाना, कितनी दर्दनाक पीड़ा। कई लोग भूख के कारण खाना नहीं है, भोजन नहीं है, कई लोग फंसे हुए हैं, अशांतियाँ में हैं, क्या करें कि ना करें, बहुत चिंता परेशानी में, संकट पूरा अंधकार ही अंधकार चारों तरफ, चारों ओर। ये संकट का दिन, ये संकट का समय है, लेकिन इसके ऊपर है जो अंधकार में चमकने वाले ज्योति, जो हम सबों के लिए पिता ईश्वर ने प्रकट किया, वो यीशु मसीह। हम पस्का का समय में, यीशु का पुनरुत्थान का समय में है हम। यीशु हमारे लिए, आपके लिए जी उठा है। जब शिष्य लोग डर के मारे अंधकार में छिपा हुआ था, चिंता परेशानी में से भरकर दरवाजा बंद कर एक कमरे में छिपे हुए थे, तब यीशु उस कमरे के अंदर में आकर शिष्य को कहा, तुम्हें शांति मिले। इसके बाद वचन कहते हैं, इसके बाद यीशु ने अपना बगल, अपना हाथ दिखाया और शिष्य ये देखकर आनंदित होते। यौहन का सुसमाचार दे 20 वचन 19 से 21 तक। यह पुनरुत्थान का सबसे बड़ा संदेश। जब शिष्य लोग, जब दरवाजा के अंदर बंद था, वो सोचते थे सब कुछ समाप्त है, अब कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म है, डर में, चिंता में, परेशानी में, संकट में। लेकिन उस डर में भी, उस परेशानी के समय में भी प्रभु आ गया और उनको कहा, तुम्हें शांति मिले। और वो प्रभु को देखकर अत्यधिक आनंदित उठे। फिर उसका डर, उन लोगों का अशांतियाँ, ये सब दूर चला गया। प्रियजनों, वह शांति हम सबों को प्राप्त है, वो हमें बपतिस्मा द्वारा हम सबों को मिला है। यीशु के नाम का, यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा जो आप, मैं, हम सब ग्रहण किए हैं, मसीह में विश्वास करने वाले लोग, हम सबों को वो शांति प्राप्त है। इसलिए प्रभु चाहता है कि वो शांति हम अपने में ना रखें सीमित, बल्कि पूरे संसार के लिए बांटे, उस पूरे संसार को वो शांति हम दें। जबकि ये पूरा संसार अशांत में, परेशानी में, शांति ढूंढता फिरता है, हम उनके लिए शांति का कारण बने। इसलिए लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 5 और 6 में वचन में यीशु ने कहा, तुम जिस घर में प्रवेश करते हो, उस घर को पहले शांति का अभिवादन दो। उस घर को बोलो, इस घर को शांति मिले। आगे वचन कहते हैं, यदि उस घर में कोई शांति का योग्य होगा, तुम्हारी शांति ठहर जाएगी, नहीं तो तुम्हारे शांति तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इसका मतलब प्रभु ने शांति हमको दिया है, इसलिए वो शांति प्रभु चाहता हम बांटे। इसलिए आगे वचन यौहन का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 21 में आगे वचन कहते, इसके बाद ईसा ने उन्हें फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इसका मतलब किस प्रकार भेजा है यीशु को पिता ने? बाइबल कहते हैं यीशु का विषय में भविष्यवाणी किया इसाइयास ने, वो शांति का राजा होगा, शांति का राजा। इसाइयास का ग्रंथ 7 में है, वो शांति का राजा कहलाएगा, वो शांति के राजा के रूप में आया। दूसरे बात, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 45 में उसमें लिखा है, क्योंकि यीशु ने कहा, क्योंकि मानव पुत्र अपनी सेवा कराने के लिए नहीं
बल्कि सेवा करने के लिए और बहुतों के प्राणों के उद्धार, बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। वो सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। इसी के लिए पिता ईश्वर ने उसको भेजा, यीशु को भेजा। अब यीशु वही यीशु कहते हैं जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। क्या के लिए? दूसरों के लिए शांति का माध्यम बनने के लिए, दूसरों के उद्धार का कारण बनने के लिए, दूसरों के लिए मुक्ति का कारण बनने के लिए। वो किसके लिए? हमारे भाई बहनों के लिए। यीशु ने कहा तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने भाई बहनों को अपने समान प्यार करो। यही सबसे बड़ा और पहली आज्ञा है। और वचन ये भी कह सिखाता है ये आज्ञा में पूरा संहिता नीत है। रोमी का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13:8 में ऐसा लिखा है, भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋण ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। जो दूसरों को प्यार करता है वचन का पूरा पूरा पालन किया है। इसलिए प्रभु वही करने के लिए आया, पिता का प्रेम बांटने के लिए, पिता का शांति बांटने के लिए और हम सबों की सेवा करने के लिए। प्रभु आज हमें और आपको वही करने के लिए भेज रहे हैं, भेजा है हम सेवा करें। यीशु ने कहा जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। क्या के लिए? शांति का माध्यम बनने के लिए, दूसरों की मुक्ति का माध्यम बनने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। अब संसार पूरे कष्ट में, पीड़ा में, संकट में, पीड़ा दर्द में है। आज हम उसका सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है। आज कई डॉक्टर्स लोग, नर्सेस लोग, वॉलेंटियर्स लोग, सरकारी कर्मचारी लोग अपना घर छोड़कर कई दिनों से वो COVID-19 से, कोरोना वायरस से पीड़ित लोग, बीमारी लोगों का इलाज कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स लोग मर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। प्रभु वही जाने अनजाने में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरे इन भाइयों में से किसी के लिए जो कुछ भी किया वो तुमने मेरे लिए किया। वो जाने ही अनजाने में ही प्रभु का सेवा वे लोग करता है। यदि वो बिना प्रभु को जाने ही सेवा कर, फिर हम प्रभु को जानने के बाद हम ऐसे नहीं रह सकते। हम सबों की सेवा करना है, हम उनका मदद करना है, उनको सपोर्ट करना है। जबकि आज संसार पूरे कष्ट में, पीड़ा में, दर्द में है, हम उनको सपोर्ट करना है, हम उनकी सेवा करना है। हम कैसा करें? घर से निकलें? घर से नहीं निकल सकते क्योंकि कोरोना लॉकडाउन है, निकलेगा तो पुलिस डंडा लगाएगा। इसलिए हम घर में बैठे हम सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ा सेवा बाइबल सिखाता है वो है मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना। मध्यस्थ प्रार्थना का मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा दूसरों की सहायता करना। हम सब लोग स्वार्थी हैं, मतलब ये हम सिर्फ अपने ही लिए, हम जब भी प्रार्थना करते हैं हम सिर्फ अपने ही लिए ही प्रार्थना करते हैं। ये स्वार्थ का प्रार्थना, प्रभु ऐसा प्रार्थना पसंद नहीं करता, उनको अच्छा नहीं लगता ऐसा प्रार्थना। प्रभु चाहता है हम मध्यस्थ बने, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बने। संत पौलुस कहते हैं तीमोथी का पहला पत्र अध्याय 2:1 संत पौलुस द्वारा पवित्र आत्मा कहते हैं मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ सभी मनुष्य के लिए प्रार्थना करो। आगे वचन 3 क्योंकि वो चाहता है कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें, सत्य को जाने। 4 क्योंकि ये उचित भी और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी। प्रभु को सबसे अच्छा लगने वाला प्रार्थना मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना। इसलिए प्रिय जानो, हमारे मेरे विश्वासी भाई बहनों, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज घर में बैठे हुए हैं, आज चर्च जाना नहीं है, किस कुछ धर्मस्थल खुला नहीं है कि हम चर्च जाएं, मिसा जाएं, प्रार्थना के लिए जाएं, लेकिन हम घर में बैठे उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। जो प्रभु वो चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सबसे प्रभु को प्रिय, सबसे उचित प्रार्थना, प्रभु को अच्छा लगने वाला प्रार्थना ये है मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम भी सेवा करें उन भाई बहनों के लिए जो संसार में, बीमारी में, कष्ट में, पीड़ा में, दर्द में फंसे हुए हैं, अंधकार में फंसे हुए। उन डॉक्टर्स लोगों के लिए, वॉलेंटियर्स लोगों के लिए,
जो घर में हैं, फंसे हुए हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगहों में, शहरों में फंसे हुए, घर तक नहीं आ पा रहे, सब पीड़ा में, भुखमरी में हैं, कई दिनों से खाना भोजन नहीं है, उन सभी के लिए हम सहायता करें। प्रार्थना द्वारा हम प्रभु से दया की याचना करें। प्रभु ने कहा, हम ये मनुष्य की इच्छा पर या उसके परिश्रम पर बल्कि दया करने वाला प्रभु पर निर्भर है। इसलिए मनुष्य जितना भी परिश्रम करे कुछ लाभ नहीं, प्रभु की दया पर सब कुछ निर्भर है। इसलिए हम जो प्रभु पर विश्वास करने वाले, हम जो प्रभु का पुनरुत्थान का भागी, हम जो प्रभु के पुनरुत्थान के महसूस किए, हम प्रभु का साक्षी बने, हम प्रभु को, प्रभु का शांति दुनिया में फैलाएं, हम लोगों को बचाने के लिए हम मध्यम बने, हम दूसरों के प्राणों के लिए बचाने के लिए हम आगे निकले, हम दूसरों की सेवा के लिए हम आगे निकले। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करें, प्रभु की दया की याचना करें। इसलिए हर शाम को आप परिवार में करुणा की माला बिनती, रोजरी में अब जरूर पूरे देश को, पूरे संसार को याद कीजिए। हर दिन मर रहे हैं लोग, हर दिन मर रहे हैं। अपने प्रियजन का मृत्यु, जब मरता है उनको देख भी नहीं सकता, बिना चेहरा देखे ही उनका प्रियजन बिना देखे ही मर जाता है ऐसे, और ना अपना लोग उनको दफनाने के लिए जा पा रहे हैं ऐसा बहुत भयंकर पीड़ा में। इसलिए उनको प्रार्थना की ज़रूरत है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप में हम मिलकर प्रभु से दया मांगे, संसार के लिए करुणा मांगे, संत फौस्तीना के विशेष मध्यस्थता द्वारा, सब स्वर्गदूत संतों की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम इस संसार के लिए दया मांगे। प्रभु इस दया करेगा। प्रभु ने कहा, मैं जिनके प्रति दया लो उन पर दया करूँगा, जिनके प्रति कृपा लो उन पर कृपा करूँगा। इसलिए प्रभु एक ही चाह है, हम उसकी दया मांगना। हमारे एक ही काम है, प्रभु से दया मांगना, प्रभु से इस पूरे संसार के लिए मध्यस्थ करना, प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनको मदद करें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आइयो आइए हम प्रभु का सच्चा साक्षी बने, प्रभु का भेजा हुआ कार्य हम पूर्ण करें। जय श्री।